हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूँगा 2024 को लेके, यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि अगला महीना जो है नेक्स्ट मंथ वो जनवरी का है और न्यू ईयर लगने वाला है 2024। तो 2024 में ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसे कौन से काम हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट कुवैत के अंदर होने वाली है, या आप मान लीजिए इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, किसी भी कंट्री से आप कुवैत आने की प्लानिंग है और आप कम पढ़े लिखे हैं और आप ज़्यादा मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से काम सीख कर आएँ, या मान लीजिए आपके पास हुनर भी नहीं है, यहाँ आकर आप हेल्पर ही में आएँ तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, ये एरिया है महबुला कुवैत का, और आपका पहले इसका मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई, व्यू दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि यहाँ जो भी कुछ है, यानी कि यहाँ अगर लेबर भी है तो वो भी बिल्डिंग में ही है, यानी कि 9 फ्लोर, 10 फ्लोर, 12 फ्लोर, 15 फ्लोर से कम की तो कोई बिल्डिंग नहीं है। और अगर मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग में नहीं है, उससे कम फ्लोर की भी कोई बिल्डिंग है, तो हर बिल्डिंग में तुम्हारा लिफ्ट, एसी, प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिशियन, मतलब ये 3-4 काम ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लिफ्ट का काम हुआ, एसी का काम हुआ और प्लम्बरिंग का काम हुआ और इलेक्ट्रिशियन का काम, यानी कि 4 काम ऐसे हैं जो हर बिल्डिंग में होना लाजमी है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 काम ना हो तो किसी भी बिल्डिंग में रहना मुश्किल है, और इन 4 काम की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। यानी कि 4 काम अगर आप सीख के आते हैं इंडिया से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से, तो भाई यहाँ आप फ्री खाली नहीं रहने वाले। अगर एक बार को मान लीजिए कंपनी में काम नहीं है, कंपनी आपको बाहर टर्मिनेट कर देती है, और अगर आप रिस्क लेके बाहर काम करना चाहें तो बाहर भी काम कर सकते हैं, और बाहर से कितना पैसा निकाल सकते हैं भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाहर काम करके यहाँ जो काम कर बाहर यानी कि सॉरी जो लोग यहाँ आ जाते हैं कंपनी काम में या किसी अदर काम में, और कंपनी उन्हें टर्मिनेट कर देती है, वो रिस्क लेके बाहर काम करते हैं, तो भाई मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना पैसा कमाते हैं। 1 लाख कमा लें, 1.5 लाख कमा लें, कोई हद नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि आपको मालूम है एक कुवैती दिनार की जो कीमत है वो 270 रुपये इंडियन रुपीज़ में है, और यहाँ सब कुछ दिनार के हिसाब से चलता है। अगर आप बाल की कटिंग कराओगे तो 1 दिनार, यानी कि 270 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक बार कटिंग कराने के। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ छोटा सा छोटा काम करते हैं तो 10 दिनार, 15 दिनार तो आपको यूँ मिल जाते हैं। तो ये समझ लें, अगर आपको 10 दिनार भी मिले तो इंडिया के 270 के हिसाब से 2700-2600 रुपये आराम से बन जाते हैं 1-1.5 घंटे काम में, आधा घंटे के काम में। टेक्निकल काम होता है भाई, ये आपके एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में उस काम को हैंडल करते हैं। तो कहने का मतलब यही है भाई कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में, या प्लम्बरिंग के काम में, या लिफ्ट के काम में, या आप एसी के काम में अगर आप यहाँ आते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लीजिए इंडिया से, और यहाँ आकर आप 1-2 साल स्टार्टिंग में फ्रेशर में आ जाइए, कंपनी के काम में आ जाइए, यानी कि कंपनी वीज़ा में या कुवैती किसी भी काम में आ जाइए, यहाँ का आपका आइडिया हो जाएगा, और फिर जब आप दोबारा आएंगे तो आपको पता चल जाएगा काम कहाँ करना, कैसे करना। क्योंकि देखिए भाई, अगर आपको पैसा निकालना है कुवैत से या पैसा कमाना है, तो यहाँ आके आपको एक बार एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अगर आप फ्रेशर हैं। क्योंकि देखिए, आजकल हुनर की वैल्यू है, आपके नॉलेज की वैल्यू, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कितना काम जानते हैं, आप अपने काम को कितने स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो भाई, दुनिया जो सलाम करती है वो आपके काम को सलाम करती है, ना कि आपके सलाम आपके ये पर्सनालिटी को सलाम करती है, ना ही कि आपकी डिग्री को। आप कितने भी पढ़े लिखे हो सब बेकार है अगर आपको कुछ भी काम नहीं आता है। तो भाई, आप अगर कुवैत आ रहा है या किसी भी कंट्री जा रहा हो भाई, गल्फ छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने पर अगर आप जा रहे हैं, और अगर आपके पास हुनर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एसी का, लिफ्ट टेक्नीशियन का, और तुम्हारा प्लम्बरिंग का, और मतलब कि जो भी आपके ड्राइविंग का, ये छोटे मोटे जो हुनर हैं, इन हुनर की डिमांड कुवैत में क्या भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे हर जगह डिमांड रहती है। इस काम को अगर आपने एक बार सीख लिया तो भाई आप कहीं भी मार खाने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई, अगर आपकी कुवैत आने की तैयारी है और अगर आप काम सीख के आते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। और अगर आप भाई थोड़ा बहुत काम सीख कर आ रहे हैं तो यहाँ भाई स्टार्टिंग में 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, भले पैसा कम मिले, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद आपको पता चल जाएगा काम कहाँ करना है और अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं।
और भाई रही देखिए बात में फाइनल आने की, आप कैसे आ सकते हैं तो भाई किसी एजेंट के थ्रू मत आना, अगर कोई भरोसेमंद एजेंट है गारंटी लेता है तो आना, नहीं तो मत आना। किसी ऑफिस के थ्रू आओ, ऑथोराइज्ड ऑफिस बहुत है, मुंबई में भी है दिल्ली में भी है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना आने की, दो बार चेक करो, तीन बार चेक करो, जब दिल मुतमईन हो जाए, आपका हार्ट दिल ब्रेन सब सेटिस्फाई हो जाए, जब भी आप आना। कोई ज़्यादा इंक्वायरी लेनी हो तो मुझे कमेंट कर देना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।